Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature. If you are new in my channel and you haven't subscribed my channel, then do subscribe my channel and never forget to press the bell icon so that you may get new updates dear students. तो आज हम लोग जो है रोमांटिक एज का 50 MCQs करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. रोमांटिक एज में लगभग आप लोगों को जो है 200 क्वेश्चन 200 MCQ क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिलने वाला है, समझिए ना. लेकिन ये आपका रोमांटिक एज का आपका पहला सीरीज है, पहला वीडियो है. आप लोगों को जानते होंगे कि आपका 19th सेंचुरी जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है. हमारा पहला हो गया आपका रोमांटिक हो गया और दूसरा हमारा विक्टोरियन एज हो गया, समझिए ना. तो हमारा रोमांटिक एज जो है 1798 से चालू होता है, सो 1832 आता है, और ये विक्टोरियन एज आपका 1837 से लेकर के हमारा 1901 तक आता है डियर स्टूडेंट्स. तो आज हम लोग जो है रोमांटिक एज को डील करने वाले हैं. तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन, रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड इन. ये रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर का कब स्टार्ट हुआ डियर स्टूडेंट्स, तो हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आपका आंसर बताते चले जाएंगे. डी वुड बी 1798 हुआ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग. कहता है कि रोमांटिक एज इज ऑल्सो नॉन एज. रोमांटिक एज को किस एज से नाम से जाना जाता है, रोमांटिक रिवाइवल, एज ऑफ पोएट्री, एज ऑफ रेवोल्यूशन, तो ऑल ऑफ दीज. तो आपका रोमांटिक एज को इन सारे नामों से जाना जाता है. डी वुड बी करेक्ट आंसर. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में डियर. कहते हैं विच यूरोपियन कंट्री वाज द फर्स्ट टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड, मतलब कौन सा यूरोप का कंट्री जो है जो फर्स्ट में इंडस्ट्रियलाइज किया गया, मतलब औद्योगिक क्रांति कहां पर आई, तो इंग्लैंड में आया डियर स्टूडेंट्स. ए वुड बी करेक्ट आंसर. अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ में. कहते हैं विच क्रिटिक कॉल्ड द रोमांटिक एज एज द रोमांस ऑफ द ओंडर, सॉरी रिनासा ऑफ ओंडर. वो रिनासा ऑफ ओंडर जो है ना, कौन यहाँ पर बोला, एस टी कॉलरिज ने बोला, जॉन किट्स ने, थियोडर वाट्स और डंटन ने किया, रॉबर्ट सदे ने. तो थियोडर वाट्स डंटन ने बोला डियर स्टूडेंट. ये आपका सी वुड बी करेक्ट आंसर. अब नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में. कहता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑब्लिक वर द क्वालिटीज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आपका क्या नारा था और क्या क्वालिटीज था, तो इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ये तीनों था डियर स्टूडेंट्स. तो ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा. और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं. कहता है विच वाज द डोमिनेंट लिटरी जानरा इन द रोमांटिक एज. रोमांटिक एज में सबसे ज्यादा किस जानरा को मतलब कि डोमिनेट किया गया, समझिए ना. डोमिनेंट मतलब कि डोमिनेट कर रहा था एज को, तो ये पोएट्री हो जाएगा. बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स. नाउ आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7, रिफ्लेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस वाज रिटेन बाय. रिफ्लेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस वाज रिटेन बाय, ये कब मतलब लिखा गया, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, लॉर्ड बायरन के द्वारा, एडमंड बुरके के द्वारा, और नन ऑफ दीज के क्या होगा. ये आपका बोल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, तो ये आपका जो है ना आपका एडमंड बुरके के द्वारा लिखा गया. सी वुड बी करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका रेन ऑफ टेरर बिगेन इन. रेन ऑफ टेरर जो है कब आपका बिगेन हुआ डियर स्टूडेंट्स. रेन ऑफ टेरर जो है आपका 1719
3 में ये चालू हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा 9 नंबर, द रोमांटिक पीरियड स्टार्टेड विद द रिपब्लिकेशन ऑफ इन 1798, लिरिकल बैलेड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स। अब कहता है विच बुक इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश पोएट्री, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश पोएट्री को तो ये आपका लिरिकल बैलेड को बोला गया, काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये कई बार पूछता है सीयूटी वाले एग्जामिनेशन में, ये पिछले बार क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी था, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 11 में कहते हैं विच सोशल क्लास गोट पावर इन रोमांटिक एज, कहते हैं रोमांटिक एज में कौन सा सोशल क्लास जो है बहुत ज्यादा पावर में आया, तो ये मिडिल क्लास हो जाएगा डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड एट द वाटरलू, नेपोलियन को वाटरलू में कब डिफीट किया गया, तो ये आपका 1815 हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझिए ना। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13, हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन द पेटरलू मेसाकर, पेटरलू मेसाकर में कितने लोग मारे गए थे, तो 15 लोग मारे गए थे, ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में, कहते हैं इन अगस्टन राइटर्स हेड कंट्रोल्ड द हार्ट बट इन द रोमांटिक्स, मतलब अगस्टन पीरियड में क्या आता है, हेड कंट्रोल द आपका हार्ट, हेड जो है ना आपका डियर स्टूडेंट वो हार्ट को कंट्रोल करता था, कहने का मतलब है इंटेलेक्चुअल पोएट्री हुआ करता था, लेकिन रोमांटिक एज में क्या हुआ कि आपका जो है हार्ट जो है कंट्रोल कर रहा था किसको, माइंड को, तो ये आपका हार्ट कंट्रोल दी हेड हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को, ये आपका लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा है। In which edition of the lyrical ballad did the Wordsworth explain the implicity and the naturalness of his diction? नेचुरलनेस ऑफ डिक्शन, कहते हैं नेचुरलनेस ऑफ डिक्शन किस मतलब कि आपका में उन्होंने जोड़ा, तो ये आपका सेकेंड एडिशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 15 का आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, कहता है वॉट्सवर्थ कॉल्ड मेजोरिटी ऑफ हिज पोएम इन लिरिकल बैलेड, वो एक्सपेरिमेंटल उन्होंने बोला, बी वुड बी करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17, समझिए ना, हाउ मेनी पोएम्स वर देयर इन द लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स में टोटल कितने पोएम्स था आपका कॉलरिज और आप यहाँ वर्ड्सवर्थ को मिला करके, तो आपका 23 था डियर स्टूडेंट्स, अगर केवल वर्ड्सवर्थ की बात किया जाए वर्ड्सवर्थ तो इनका 19 था, सब ये ना चार कॉलरीज का था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, हाउ मेनी पोएम्स वर कंपोज्ड बाय द कॉलरीज इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड, कॉलरीज का फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड में कितना पोएम को, एक ए वुड बी करेक्ट आंसर, 4 आपका पोएम इसका था, जिसका फर्स्ट पोएम आपका जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर था, ये स्टूडेंट से पूछता ही है आपका 19 में, इन विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड डिड द वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन हिज थ्योरीज ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन, तो थ्योरी ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन इसमें वो आपका सेकेंड में ही इन्होंने मतलब कि ऐड किया थ्योरी ऑफ आपका पोएटिक इमेजिनेशन। नाउ आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, व्हेन वाज द थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड, थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड जो है आपका कब पब्लिश हुआ डियर स्टूडेंट, तो ये 1802 हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, कहते हैं सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन, सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेड का कब पब्लिश किया गया, तो 1800 में पब्लिश किया गया, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लिरिकल बैलेड से आपका पूछता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, कहते हैं फोर्थ एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन, तो फोर्थ एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड जो 1805 हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, डियर स्टूडेंट, डिड रोमांटिक पोएट्स प्रीफर हीरोइक कपलेट? क्या रोमांटिक पोएट्स लोग जो है हीरोइक कपलेट को प्रीफर करते थे? यस, दे लाइक्ड इट. नो, दे हेटेड इट. दे वर अननोन टू द हीरोइक कपलेट. नन ऑफ दिस. तो ये सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इन लोग जो है आपका, इन लोग नेचर पोएट्री को ज्यादा लाइक करता था और आपका हीरोइक कपलेट को जो है इन लोग डिसलाइक करता था. डियर स्टूडेंट्स, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कहता है, वर्ड्सवर्थ प्रेजेंटेड इन लिरिकल बैलेड लाइफ इन हिज पोएम्स. तो वो क्या मतलब, एवरीडे लाइफ को उन्होंने प्रेजेंट किया. डी वुड बी करेक्ट आंसर. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 25 में. कॉलरिज प्रेजेंटेड डॉट डॉट पोएम्स इन लिरिकल बैलेड्स. कॉलरिज का आपका जाना जाता है आपका सुपर नेचुरल के लिए. एक चीज और, मैं एक कोटेशन बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को काम आएगा. देखिए, वर्ड्सवर्थ नेचुरलाइज्ड द नेचर, कॉलरिज सुपर नेचुरलाइज्ड इट, एंड सेली आइडियालाइज्ड इट, एंड जॉन कीट ब्यूटीफाइड इट, एंड लॉर्ड बायरन रिवोल्यूशनाइज्ड इट. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 26 में. हु बाउड द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमैनिटी टू द पोएट्री ऑफ द रोमांटिक पीरियड. ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच को कौन लाया आपका सब ये रोमांटिक पोएट्री में? तो ये आपका रॉबर्ट सदी ने लाया. बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स. अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, कहता है व्हाट डिड वाल्टर स्कॉट कंट्रीब्यूट टू द लिटरेचर ऑफ द रोमांटिक एज. वो क्या किया आपका लव फॉर द वाल्टर स्कॉट, आपका हिस्टोरिकल नॉवेल के लिए काफी जाने जाते हैं. ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल. तो ये लव फॉर पास्ट हो जाएगा. ए वुड बी करेक्ट आंसर. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आज बढ़ते हैं. कहता है वर्ड्सवर्थ कॉमा सदे एंड द कॉलरिज आर कॉल्ड. वर्ड्सवर्थ सदे एंड कॉलरिज को क्या बोला जाता है आपका? सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. तो ये आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर. ये सब फर्स्ट जनरेशन का पोएट था और इन लोगों को लेक पोएट भी बोला गया है डियर स्टूडेंट्स. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और आ जाते हैं हम लोग. कहते हैं द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स वाज इंप्रेस्ड बाय. फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट किसके द्वारा? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो होगा ही, अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी होगा. इसका मतलब है आपका सी वुड बी करेक्ट आंसर. बोथ ऑफ दीज हो जाएगा डियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 30. सेली बायरन एंड किट्स वर द रोमांटिक पोएट्स डॉट ऑफ जनरेशन. ये सब सेकेंड जनरेशन का पॉइंट था, समझिए ना. ये बी वुड बी करेक्ट आंसर. सेली बायरन एंड किट्स वर रोमांटिक पोएट्स डॉट डॉट जनरेशन. ये सेकेंड जनरेशन का है. नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31. रोमांटिक एज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय. रोमांटिक एज जो है किस लिए कैरेक्टराइज्ड किया जाता है? ये रोमांटिक एज में इंटेंस इमोशन के लिए कैरेक्टराइज किया जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन एंड इमोशन वर डोमिनेंट इन द 19th सेंचुरी पोएट्री, पर्टिकुलरली रोमांटिक पोएट्री. अब आपका आ जाते हैं 32 में. हु सेज रोमांटिसिज्म इज एडिशन ऑफ अस्ट्रेंजनेस टू द ब्यूटी. ये इसको बोलने वाला वाल्टर पेटर था डियर स्टूडेंट. डी वुड बी करेक्ट आंसर. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर आपका. मेलंकोली वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ. मेलंकोली जो है रोमांटिसिज्म का जो है ना एक प्रकार का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था डियर स्टूडेंट्स. अब नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में आ जाते हैं. व्हाट वाज द रोमांटिक स्लोगन. रोमांटिक स्लोगन क्या था? रोमांटिक स्लोगन है रिटर्न टू आपका नेचर था, जो आपका रूसो ने ये दिया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 35 में. विच फ्रेंच रूलर वाज एक्सक्यूटेड इन 1792 ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो ये लुइस आपका 16वां को जो है ना फांसी का सजा पर एक्सक्यूटेड किया गया था डियर स्टूडेंट्स.
अब नाउ क्वेश्चन नंबर आप आ जाते हैं 36 में, हु रोट द बुक ऑफ राइट्स ऑफ मैन, बुक्स ऑफ राइट ऑफ एक वोमेन है और एक राइट्स ऑफ मैन है, तो ये आपका डी हो जाएगा, थॉमस पेन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 37 में, राइट्स ऑफ मैन वाज पब्लिश्ड इन, राइट्स ऑफ मैन जो है कब पब्लिश किया गया, तो राइट्स ऑफ मैन जो है आपका 1791 में पब्लिश किया गया डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, आपका कहता है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन ये वाज रिटेन बाय, ये आपका जो है मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा ये आपका जो है अब पब्लिश किया गया था डियर स्टूडेंट और लिखा भी गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 में, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन वाज पब्लिश्ड इन, तो ये 1792 में पब्लिश किया गया, आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाते हैं, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन वाज पब्लिश्ड इन, ए विंडिकेशन राइट ऑफ द मैन है, तो राइट ऑफ द मैन 17 आपका 90 हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, हु वाज द राइटर ऑफ, कहता है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, ये राइट ऑफ वुमन नहीं है, राइट ऑफ मैन है, तो राइट ऑफ यस राइट ऑफ मैन का ये कौन हो जाएगा, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हो जाएगा, ये आपका ये वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 में, व्हेन वाज लिरिकल बैलेड वाज प्लान्ड, ये लिरिकल बैलेड का दिमाग में प्लानिंग जो है 1797 में किया गया, लेकिन इसको पब्लिक्स और 1798 में किया गया डी स्टूडेंट। आप कहता है हाउ मेनी पोएम्स वर कंपोज्ड बाय द वर्ड्सवर्थ इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड, तो इसमें जो है 19 हो जाएगा वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में, व्हेन डिड द फॉल ऑफ द बेस्टाइल टेक प्लेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये जुलाई आपका 1417 आपका 89 हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ आप जाते हैं 45 में, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन वाज इंप्लीमेंटेड इन, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन जो है 4 अगस्त 1700 आपका 89 में किया गया डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 46 में, व्हेन डिड हॉस्टिलिटी बिटवीन द फ्रांस एंड इंग्लैंड स्टार्टेड, ये फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच हॉस्टिलिटी कब स्टार्ट किया गया, ये आपका 1793 में किया गया 1793 डियर स्टूडेंट। अब हमारा जो है 47 हो गया, व्हेन डिड हॉस्टिलिटी बिटवीन द फ्रांस एंड इंग्लैंड एंडेड, ये फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच हॉस्टिलिटी जो है 1815 में वाटरलू के वार में आपका जो है ये एंडेड हुआ डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट कहता है 48 में, फॉर हुम द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज डेड इन द रोमांटिक एज, एक्सटर्नल वर्ल्ड किसके लिए डेड है, कौन बोला, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने बोला डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर आपका ए वुड बी करेक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 48 का ए वुड बी करेक्ट आंसर। आप आ जाते हैं 14 में, फॉर होम द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ए लिविंग विद इट्स ओन सोल इन रोमांटिक एज, तो इसका जो हो जाएगा विलियम वॉर्ड्सवर्थ हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर। एंड वन क्वेश्चन इज लेफ्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन, कहते हैं 15 नंबर में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, 15 कहते हैं फॉर होम द पोएट्री द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, किसके लिए पोएट्री ऑफ पोएट्री जो है एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन किसके लिए है, तो पर्सी बेसी शेली के लिए है ये डियर स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये सेशन। तो मैं एक चीज और बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स कि रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज जो है ना बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच आर रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और आप लोग जो है विक्टोरियन और रोमांटिक का वीडियो जो है एकदम बार बार आप लोग देखें, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल।